आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक किया था हमने फैक्टर, सेकंड था मल्टी, ठीक है। और ये क्लास आपको यूट्यूब पे वर्ड वर्क भी मिलेगा, एक वो आज हो जाएगा जो कल चले चुकी है आपकी, ठीक है ना। तो आप पास एक बनाए मिलेगा, आप उसको क्लिक करके और अपने कंसर्ट विजय के पास कॉपी चेक के लिए भेज सकते हैं। बात से स्टार्ट की थी हमने प्राइम नंबर के रिगार्डिंग, और प्राइम नंबर की बात करते हैं अपने नंबर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में हमने क्या सीखा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको केवल और केवल या तो वन से या फिर इटसेल्फ यानी खुद के नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखे थे 5, 7, 11, 13, 19, 17 ऐसे बहुत सारे नंबर थे जो कि सारे के सारे किसके पार्ट थे, प्राइम नंबर्स के पार्ट थे। ये केवल अपनी खुद की टेबल बनाते हैं या फिर वन से डिवाइड कर सकते हैं और किसी अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के रिगार्डिंग। तो कंपोजिट नंबर में क्या कहता है कि ऐसे नंबर जो वन की टेबल में क्या है, इटसेल्फ भी हो यानी खुद की टेबल में डिवाइड होते हो और अदर नंबर से भी डिवाइड, और क्या होता है अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो सारे के सारे नंबर जिसमें काउंट होते हैं अपने पास में कम होते हैं, उसमें सारे के सारे कंपोजिट नंबर में काउंट हो गए। कैसे मान लीजिए हम मेरे बोर्ड लिखा, क्यों देखो मेरे क्या होल नंबर होंगे 0 और 1 को छोड़ के 2 के अपोजिट में आने वाला हूं पास वो ले लिया 3 चला गया, इसमें आपके पास प्राइम नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल आता है 4, और तो हमने प्राइम नंबर पे कौन ले लिया और कहां जाए करके देखो और तो देखा मैंने और वन के लिए बनाता है कैसा आता है, क्या फोर फोर के लिए बनाता है कैसा आता है, फोर के अलावा किससे आ सकता है टू की टेबल में आ सकता है, क्योंकि फोर के जब मैं क्या निकालूंगा फैक्टर तो फोर के फैक्टर क्या देंगे मुझे टू मल्टीप्लाई बाय टू है ना, टू टू जा फोर मिलेगा, वन फोर जा फोर मिलेगा, फोर वन जा फोर मिलेगा, इट मीन्स 1, 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे मुझे 1, 2 और 4 मिलेंगे, 1, 2 और 4 मिलेंगे, किसके फैक्टर्स मिलेंगे हमें वो 4 के फैक्टर मिलेंगे। इट मींस अगर मैं 1 को छोड़ दूं 4 को छोड़ दूं 4 में इटसेल्फ हो गया अपना 1 का 1 से डिवाइड वाला अलग कौन मिला मुझे 2, यानी 4 मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मींस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पे एक चीज और बनती है अपने पास कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन था, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन था अपने पास 2, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन था अपना 2 था, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन बन गया अपना 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू 4 and the smallest prime number is equals to 2। हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने ये बताया कि 4 is the smallest composite number। अब देखो कई अभी क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर ये 4 तो आ गया, इसके अलावा मेरे पास के 4 वाला पार्ट भी समझ नहीं आया, स्टार्ट करें आगे। और देखो मैंने यहां प्राइम नंबर छोड़ा तो 2 मेरा प्राइम नंबर बन गया, 3 प्राइम नंबर गया, उसके बाद और मिला मुझे बीच में 4 मिला, 4 तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके ये बता दिया 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 5 में यहाँ चला गया मेरा प्राइम नंबर में, तो 5 तो कंपोजिट नंबर ही हो सकता, उसके बाद और मिला मुझे 6। बात करें 6 के रिगार्डिंग, देखो 6 के मैंने फैक्टर निकाल रहे तो पर फैक्टर के लिए 1 6 6 2 3 6 3 2 6 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
two, three, and six. Of
प्राइम नंबर से रिलेटेड इसका क्या बात की कि अगर वन और खुद डिजिट को यानी सेल खुद को छोड़ दिया जाए और अगर केवल वैल्यू केवल डिजिट से डिवाइड हो रही है इसमें तो प्राइम नंबर जाएगा। अब देखो ये 6 जो था वो मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है इट मींस ऐसे नंबर जो खुद सीधे तो मतलब डिवाइड होते ही है उसके अलावा भी और किसी डिवाइड टेबल में आ सकता है अगर किसी और भी टेबल से डिवाइड हो सकता है यानी नंबर कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ यानी 1 और 1 के अलावा 1 और 1 के अलावा और उसको छोड़ के ठीक है कोई भी टेबल दूसरा नंबर आ रहा है जिसे नंबर डिवाइड हो रहा है इट मींस वो कंपोजिट नंबर का पार्ट है। इतना याद नहीं रहे तो छोटा सा याद रखना वन को याद भूल दो एक बार के लिए खुद को भूल दो देखिए आपको एक और किसी के टेबल में आते मान लें 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है 4 2 के टेबल में आता है तो वो दोनों कंपोजिट नंबर है ठीक है 6 2 के टेबल में आता है तो दोनों नंबर है 8 2 के टेबल में आता है तो दोनों नंबर है 9 3 के टेबल में आता है कंपोजिट नंबर है 10 2 के टेबल में भी आता है 5 के टेबल में भी आता है दिस कंपोजिट नंबर है 12 2 के टेबल में आता है 3 में आता है 4 में आता है 6 में आता है तो ये भी कंपोजिट नंबर है यानी वो खुद के अलावा और किसी के भी टेबल में आता है चाहे एक बार आए चाहे और कितने भी मल्टीपल्स ऑफ टेबल्स के भी आ जाए तो उनके पास सबके भी लोग क्या कह जाता है केवल केवल कॉमनोस्ट नंबर ठीक कह रहा है ठीक है पहले एक एग्जांपल और उसके आपके पास मैंने बताया 21 की बात हो रही है ना 21 को लेकर 21 क्या होता है कंपोजिट नंबर क्यों होता है क्योंकि 21 वन के लेवल में आता है 3 के लेवल में 7 टाइम आता है फिर 7 के लेवल में 3 टाइम आता है एंड 21 के लेवल में 1 टाइम आता है यानी ये बैकवर्ड फॉर्म होने के बाद 3 7 और 21 अगर मैं 21 और 1 को स्किप कर लूं और बोल दूं उसको एक बार के लिए तो मेरे पास बचेगा कौन 3 और 7 यानी 21 3 से भी डिवाइड हो रहा था 21 7 से भी डिवाइड हो रहा था इट मींस 21 इज अ कंपोजिट ठीक है आई बात समझ कंपोजिट नंबर की तो अब हमने कल क्या देखा था प्राइम नंबर्स को देखा था आज देखा हमने कंपोजिट नंबर को इसी के बेस पर हमने एक सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन ये कहता है कि वन जो था हमारा क्या कंपोजिट नंबर में आएगा नहीं आएगा क्या प्राइम नंबर में आएगा नहीं आएगा तो लिखेंगे वन इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर वन इज इधर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर क्यों क्योंकि प्राइम नंबर डेफिनेशन में क्या कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे होल नंबर होगा लेकिन 2 से लेस देन नहीं होगा एंड 2 से लेस देन 1 का और 1 उसमें काउंट नहीं हो रहा था इट मींस वन नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट अभी बात समझ में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और वो पार्ट क्या था हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर के रिगार्डिंग तो हमने बहुत कुछ बात कर लिए बड़े नंबर्स इवन नंबर है ना इवन नंबर कौन हुआ करते थे इवन नंबर वो हुआ करते थे जो टू की टेबल में आ जाते थे यानी नंबर डिवाइडेड बाय नंबर विच divided by 2 जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है इवन अब कई केसेस में हम ये जान ही नहीं पाते कि नंबर इवन था या ऑड था तो ये हमें तो अब तक हमें इतना ही सिखाया गया है कि इवन नंबर तो होगा और हमारे टू से डिवाइड होगा अब क्या नंबर को देख के हम लोग डिवाइड करते हैं दिल्ली के बाद में इधर है भैया डिवाइड हो रहा है और अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है।
हमने देखी है देखो 2 की टेबल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5 8 तरीका क्या है 2 5 8 नहीं 2 4 8 2 5 10 मैं देखो बात अभी मैं गलत नहीं बोलूंगा और ये देखूंगा कि कितने लोग हाथ खड़े करते हैं तो हमने देखा 2 की टेबल के लिए 2 4 6 8 10 अगर मैं इसकी लास्ट डिजिट के बारे में बात करूं देखो तो लास्ट डिजिट क्या क्या मिली 0 2 4 6 और 8 अगर किसी की नंबर के लास्ट डिजिट यानी मंथ की प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 अगर ये मिल जाते हैं इट मींस वो 2 से डिविजिबल भी होगा और वो एक इवन नंबर भी होगा है ना हमारे पहले का 5968 आप तो मैं कहूँ क्या बेटा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो आप क्या कहोगे क्या सर इवन नंबर तो वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है ना आप ये लगाओगे यहाँ कॉलम 2 से डिवाइड करोगे देखोगे इसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है ऐसा करना नहीं है हमें सिर्फ लास्ट वर्ड डिजिट देखनी है 8 मिला 8 को आता है हमारे पास पहले 8 से इवन नंबर था तो अगर ये इवन नंबर में चला गया तो ऑड नंबर में क्या होगा भैया ऑड नंबर में क्या होगा देखते हैं इन नंबर को छोड़ दो इन नंबर को छोड़ दो यानी 0 छोड़ दिया 1 3 5 7 एंड 9 अगर ये लास्ट डिजिट देखनी है इट मींस हो जाता है मेरा ऑड नंबर जाएगा वो हमारे ऑड नंबर का पार्ट इवन नंबर के पार्ट के लिए क्या है इसकी वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 8 मिला देना ऑड नंबर के प्लेस के लिए मुझे 1 3 5 7 9 मिलता है भाई पूरा चित्र बना देता आपके लिए इसकी फॉर्म में ऑड नंबर ठीक है अब एक छोटी सी बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन था हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन था 2 था हां स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था 2 था तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो था वो भी हमारा अपने आप में एक इवन नंबर है ठीक है तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ जो कि एक इवन नंबर भी ये इवन नंबर भी है ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे आज क्या रहेगा इसका गुड मॉर्निंग सर हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर ठीक है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है क्यों क्योंकि देखो अगर अकेले जीरो काउंट करूंगा नहीं मैं कभी है ना तो स्टार्ट कहां से करेंगे टू से करेंगे तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दोनों सेम दोनों क्या है सेम इक्वल है टू के अगर मैं बात करूं बाकी नंबर्स के बारे में प्राइम नंबर है ना आपके पास कौन कौन से थे 2 3 5 7 9 10 राइट आ गया ठीक है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये जो इंपॉर्टेंट है तो केवल 2 एक ऐसा नंबर था इवन नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं इवन नंबर में काउंट हुआ ठीक है उसके अलावा कितने भी प्राइम नंबर्स हैं अनलिमिटेड जहां तक जा सकते हैं प्राइम नंबर जहां तक भी प्राइम नंबर काउंटिंग है आप सकते हैं सारे के सारे इसमें जाके ऑर्डर यानी केवल टू को एक्सेप्ट केवल टू को छोड़कर जितने भी क्या थे प्राइम नंबर सब के सब इसमें काउंट होते हैं अपने ऑर्डर नंबर में काउंट ये अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर सिंपल सिंपल सी टर्म्स है पहले टर्म्स को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आगे करेंगे ठीक है परफेक्ट नंबर नंबर भी कभी परफेक्ट होता है क्या नंबर भी कभी परफेक्ट होता है क्या होता है जब उसके फैक्टर्स निकाले क्या निकाले हम लोग फैक्टर्स निकाले किसी भी नंबर के अगर फैक्टर निकाले फैक्टर्स में उस एक पार्ट को छोड़ दिया जाए उसने वाला पार्ट क्या है वो देखते मान लीजिए कहा मैंने फैक्टर दूसरा फैक्टर निकलेगा नहीं निकलेगा तीसरा निकलेगा नहीं निकलेगा फोर्थ का निकलेगा फैक्टर
तो फोर के नाम से आ गए 1 2 और 4 से फोर के बाद लाइक करेंगे या ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 के लिए बनाया जाता है 3 के लिए बनाया जाता है ठीक है इन दो नंबर्स को लिखना मैंने इसके बाद एक एट और लिख लेते चलो फिर मेजर डिफरेंस पता चल जाएगा आपको 1 क्या आता है 2 भी लेकर आता है 4 भी लेकर आता है और 8 थ्री एग्जाम्पल्स दिए और थ्री एग्जाम्पल्स में आपकी बात के लिए जाएगी कि परफेक्ट नंबर क्या होता है परफेक्ट नंबर वो थे जब मैंने किसी भी नंबर का फैक्टर निकाला उसके खुद के नंबर को यानी इटसेल्फ को छोड़ दिया ये इटसेल्फ फोर था कोई फोर का फैक्टर में फोर आ रहा था इटसेल्फ हो गया इसके फैक्टर में सिक्स आ रहा था इटसेल्फ हो गया एट के फैक्टर में एट आ रहा था इटसेल्फ हो गया इटसेल्फ को मैंने छोड़ दिया छोड़ने के बाद जो बचा कौन बचा 1 और 2 है ना मैंने ऐड किया 1 प्लस 2 कितना मिला 3 ऐड किया 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना मिला मुझे 6 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना मिला मुझे 7 यानी अगर ये फैक्टर्स में से इटसेल्फ नंबर को छोड़ दिया जाए इसका फैक्टर निकाला जा रहा है उस फैक्टर नंबर को अगर स्किप कर दिया जाए और बाकी बचे हुए नंबर यानी बाकी बचे हुए फैक्टर को अगर आप उसमें क्या करोगे ऐड करोगे और ऐड करते ही वो हमारे जिस नंबर का फैक्टर है वही नंबर बन जाए इट इज वो परफेक्ट नंबर है इट मींस वो क्या है परफेक्ट नंबर है देखो मैंने 4 के फैक्टर निकाले 4 के फैक्टर क्या मिले 1 2 और 4 मिले मैंने 4 को स्किप कर दिया क्योंकि खुद नंबर था वो बाकी बचा कौन 1 और 2 1 2 के लिए कितना बना pair of
two odd numbers differ by two, with number क्या थे? ऐसे odd numbers का pair था, ऐसे two odd numbers का pair था, जिसका difference कितना है? Two है, जिसका difference कितना है? Two है. तो मैंने odd numbers लिखे थे कौन से? लिखे odd, क्या लिखे मैंने आप लोग? Odd numbers. क्या लिखे पहले? Odd numbers. और odd numbers भी कैसे होते थे? Prime. तो two दोस्त के अलावा होगा ही नहीं, two दोस्त के अलावा होगा नहीं, क्योंकि two क्या था? Smallest even number था, है ना? और हम बात कर रहे हैं इसके लिए odd number की, वो भी prime के साथ. Smallest two number जो था वो even number भी था, smallest prime number भी था, इसका मतलब उसको count नहीं करेंगे हम लोग. Right side का test 3 से, तो देखो 3, 5, next 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 15 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. 17, फिर 19, 23, 23 के बाद direct 29, 31, 37 ऐसे आगे चले जाएंगे. अगर तो दो पर consecutive number take, successive number take, continue आने बाद देखो 3 और 5 बनता है फिर difference कितना दिया है वो 2 का. 5 ऐसे 3 ऐसे दिया 2 and first big number का pair कौन बना? 3 और 5. अगर मैं second लेता हूँ 5 and 7 का, 7 का 5 ऐसे दिया 2 बच गया हमारे पास. फिर दिया मैंने 7 और 9 का, 9 का 7 ऐसे दिया 2, ये भी big number है हमारे पास. 9 और 11 का दिया, क्या वो भी big number ठीक है? ठीक है, ठीक है. सबके बीच से डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 का डिफरेंस आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए. तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल ओके बाय, सी यू लेटर.